ऐसे कहो जैसा कि तुम इस पर यकीन रखते हो। दिन 18 फरवरी 2022। अकीदे के ऐलानात। मैं ऐलान करता हूँ कि कामयाबियाँ यहाँ हैं और अब मेरी ज़िंदगी में। खुदा की भलाई अचानक फट पड़े है। एक जाल नहीं, नदी नहीं, लेकिन खुदा की कुदरत का सैलाब, शफायाबी का सैलाब, हिकमत का सैलाब, एहसानात का सैलाब। मैं एक तरक्की याफ्ता शख्स हूँ और मैंने ज़िंदगी गुजारने का इंतखाब किया है। तरक्की याफ्ता जहन, ये मेरा ऐलान है। खुदाई सेहत के तराफत। रब ने मुझे लंबी ज़िंदगी और अच्छी सेहत से राज़ी किया है। इस तरह मेरे सर के ताज से लेकर पाँव के तलवों तक मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम दिनों में मुकम्मल सेहत के साथ रहता हूँ। यीशु के नाम पर मेरे जिस्म में कोई कमज़ोरी पनप नहीं सकती। आमीन। मैं जो कहूँगा वो मेरे पास होगा यीशु के नाम से। मैं मजबूत हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, मैं बाबरकत हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं आज़ाद हूँ, खुदा का महबूब हूँ, मैं खुदा और बनी नौ इंसान का पसंदीदा हूँ। मैं वही बोलता हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ, वो नहीं जो मैं देखता हूँ। मैं एक कीमती बीज हूँ। मैं अपने खुदा के घर में अच्छी ज़मीन पर लगाया गया हूँ। मैं अपने खुदावंत की अदालतों में खजूर के दरख्त की तरह फलता फूलता हूँ। मैं वाफर फल देता हूँ इस मौसम में। मैं खुदावंद में रस और सब से भरा हुआ हूँ और बुढ़ापे में भी मैं ताज़ा और फलता फूलता रहूँगा। मेरा पत्ता मुरझाता नहीं है और मैं यीशु के नाम पर जो कुछ भी करता हूँ, चीज़ें हमेशा यीशु के नाम पर मेरे लिए काम कर रही हैं। मैं मसीह यीशु में हर रूहानी बरकत का वसूल करुंदा हूँ। मैं एक रूह हूँ, मेरी रूह एक रूह है, मेरी रूह और मेरी रूह एक जिस्मानी जिस्म में रहते हैं। मेरी रूह का हुक्म देता है, मेरी रूह सुनती है, वसूल करती है और मेरे जिस्म को हदायत देती है और मेरा जिस्म अतात करता है। यीशु के नाम पर मैं अपने जिस्म से बात करता हूँ। खुदा की नाकाबले तस्वीर ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी में हमेशा वाज़े और ज़ाहिर होती है। मैं अपने जिस्म की हर तफसील से ज़िंदगी बोलता हूँ। मैं अपने जहन से मसीह के जहन की तरह कामिल होने के लिए कहता हूँ और मैं आपको खुदा के कलाम के मुताबिक होने का हुक्म देता हूँ। मैं अपने टेंडेंस और असाब से ज़िंदगी बोलता हूँ। मैं अपने पट्ठों और लिगामेंट से ताकत बोलता हूँ। मैं अपने दिल से ज़िंदगी की बात करता हूँ। मैं आम वेंटिलेशन और परफ्यूजन तनासुब को बरकरार रखने के लिए अपने फेफड़ों और टिश्यूज से बात करता हूँ। मैं अपने गुर्दों, जिगर और लुबलुबे से कमाल बात करता हूँ। मेरे खून के हर खलिए में ज़िंदगी है। मेरी हड्डियाँ, जोड़ और कार्टिलेज सीध में और मजबूत हैं। मेरी उंगलियाँ बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। मेरी आँखें वाज़े और बिल्कुल अच्छी तरह देखती हैं और मेरे कान बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। मेरी जिल्द हमवार है, एक नए पैदा होने वाले बच्चे और खुदा की खूबसूरती के तौर पर सेहतमंद। मैं अपने बालों को जगह पर रहने का हुक्म देता हूँ और जहाँ नमू की ज़रूरत होती है मैं अपने फोड़ों में नमू जारी करता हूँ। मेरे दांत, मसूड़े, जबड़े की हड्डियाँ और असाब और खून की फरहमी सब सेहतमंद, मजबूत और कामिल हैं।
मेरे तमाम हार्मोन्स और न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर एक दूसरे के साथ कामिल हमांगी में हैं और अपने कामों को आम तौर पर अंजाम दे रहे हैं। मेरा निज़ाम इंजहाम तमाम गजाएं हजम करने, जज्ब करने और इंजमाम करने के काबिल है और मेटाबॉलिक फजले की मसनूआत बाकायदगी से खारिज होती हैं। मेरा तौलीदी निज़ाम काफ़ी मकदार में और अच्छी नकलो हरकत के स्पर्म्स पैदा और जमा कर रहा है। मेरा तौलीदी निज़ाम बरवक्त अंडे के खलिए पैदा कर रहा है, पैदाइश तक जीन्स की हिफाजत और परवरिश कर रहा है। मेरे जिस्म का हर अज़ू, हर टिशू इस कमाल के साथ काम करता है जिसके लिए खुदा ने इसे तख्लीक किया है, और मैं यीशु के नाम पर अपने जिस्म में किसी भी खराबी और बेतरतीबी को मना करता हूँ। मेरी पूरी इंसानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मसीह यीशु के जलाल में कामिल है। हालेलुया, आमीन। खुदा का बाप मुझे प्यार करता है, मैं जानता हूँ। खुदा का बेटा मुझे प्यार करता है, मैं जानता हूँ। खुदा का रूह मुझे प्यार करता है, मैं जानता हूँ। शालोम।